वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉर्नलिस, दिस इज जागृति। एंड फ्रेंड्स, आज हमारा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है थैलेसीमिया। सो थैलेसीमिया इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम लाइक CHO। एंड अब अगर आप CHO स्टाफ नर्स, EBBS स्टाफ नर्स, इसिक एंड कोई भी नर्सिंग कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारे इस चैनल पे जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड उनसे रिलेटेड MCQs को कवर किया जाता है। तो आज हमारा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है थैलेसीमिया, बिकॉज थैलेसीमिया से 1 or 2 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सो थैलेसीमिया, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैलेसीमिया, फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ थैलेसीमिया। थैलेसीमिया इज अ कंजेनाइटल, तो थैलेसीमिया है कंजेनाइटल क्या है, ब्लड डिसऑर्डर। थैलेसीमिया एक क्या है, एक ब्लड डिसऑर्डर है। थैलेसीमिया एक ब्लड डिसऑर्डर होता है। सो थैलेसीमिया के बारे में कुछ पढ़ते हैं कंटेंट थोड़ा। तो थैलेसीमिया जो है, जिसे कुलेस एनीमिया ये याद रखने वाला अदर नेम थैलेसीमिया का, कुलेस एनीमिया एंड मेडिटेरियन एनीमिया भी कहते हैं। थैलेसीमिया को क्या कहते हैं, कुलेस एनीमिया एंड मेडिटेरियन एनीमिया भी कहते हैं। इज अ ग्रुप ऑफ हेरिडिटरी एनीमियाज, ये हेरिडिटरी एनीमियाज का ग्रुप होता है। एंड ये डिफेक्टिव प्रोडक्शन ऑफ अल्फा एंड बीटा, जो अल्फा एंड बीटा होता है उसके डिफेक्टिव जो प्रोडक्शन होता है उसकी वजह से आकर होता है। एंड हीमोग्लोबिन पेप्टाइन चेन और डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ बीटा चेन, और इसमें क्या होता है, बीटा चेन का सिंथेसिस जो है डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इम्पॉर्टेंट थिंग जो याद रखने वाला है वो ये है कि थैलेसीमिया को हम गुलेज एनीमिया और मेडिटेरियन एनीमिया भी कहते हैं, और ये हेरिडिटरी एनीमिया होता है, हेरिडिटरी एनीमिया का ग्रुप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अ प्रमोसिंग ट्रीटमेंट फॉर सम चिल्ड्रन, कुछ चिल्ड्रन के लिए सफरिंग फ्रॉम थैलेसीमिया। एक प्रमोसिंग ट्रीटमेंट क्या है, उन चिल्ड्रंस के लिए जो सफ़र कर रहे हैं थैलेसीमिया से। तो प्रमोसिंग ट्रीटमेंट क्या है, इसमें करेक्ट ऑप्शन मेरा रहेगा बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। सो थैलेसीमिया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैलेसीमिया होता क्या है, तो थैलेसीमिया में जो है 22 mg per dL से भी ज़्यादा जब वो RBCs होने लगती हैं तब उसे थैलेसीमिया कंडीशन कहते हैं। ये और ये कैसा होता है, ये एक हेरिडिटरी एनीमिया, हेरिडिटरी डिसऑर्डर, यानी कि एक जो है हेरिडिटरी ग्रुप ऑफ हेरिडिटरी एनीमिया का ग्रुप होता है। और नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि प्रमोसिंग ट्रीटमेंट, अगर चिल्ड्रन जो है वो थैलेसीमिया से सफ़र कर रहा है तो प्रमोसिंग ट्रीटमेंट उसके लिए क्या होता है, तो उसके लिए प्रमोसिंग ट्रीटमेंट है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। सो द ओनली क्योर फॉर बी थैलेसीमिया मेजर इज बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। ओनली बी क्योर फॉर बी थैलेसीमिया मेजर इन बोन ट्रांसप्लांटेशन। मेजरली इस पर क्या करना है, इसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करना है फ्रॉम मैच्ड सिबलिंग, जो सिबलिंग मैच कर रहा है उससे क्या करना है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर देना है। ये एक प्रमोशन ट्रीटमेंट है फॉर चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ड्रग चॉइस फॉर थैलेसीमिया। तो थैलेसीमिया के ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है, डेफ्रोक्सामाइन जो है ड्रग ऑफ चॉइस से क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिलता है। ड्रग ऑफ चॉइस से एक दो क्वेश्चन जरूर ही आते हैं। सो ड्रग ऑफ चॉइस थैलेसीमिया के लिए क्या है, डेफ्रोक्सामाइन जो है वो थैलेसीमिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होता है। अपार्ट फ्रॉम BMT ट्रीटमेंट इन्वॉल्व ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इसमें BMT ट्रीटमेंट के अलावा जो है इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन्वॉल्व है टू रिस्टोर हीमोग्लोबिन लेवल एंड सिलेरियन थेरेपी डेफ्रोक्सामाइन टू रिमूव एक्सेस ट्रांसफ्यूज आयरन फ्रॉम बॉडी। नेक्स्ट थैलेसीमिया मेजर इज़ आ, तो थैलेसीमिया मेजर इज़ आ, तो इस पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा ऑटोसोमल रिसीव डिसऑर्डर। थैलेसीमिया क्या है, थैलेसीमिया जो है ऑटोसोमल रिसीव डिसऑर्डर होता है। नेक्स्ट थैलेसीमिया मेजर इज़ एन इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। हम लोग देख चुके हैं कि थैलेसीमिया क्या है, थैलेसीमिया जो है इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है।
इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है। विच डिफेक्ट प्रेजेंट ऑन ऑटोसोमल क्रोमोसोम, विच डिफेक्ट प्रेजेंट ऑन ऑटोसोमल क्रोमोसोम फर्स्ट 22 पेयर्स एंड इट ओनली कैन एक्सप्रेस इफ बोथ जीन्स आर एबनॉर्मल, सो इट इज कॉल्ड रिसीव डिसऑर्डर। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, रिसीव डिसऑर्डर कहते हैं। कुलेज एनीमियाज इज कॉज्ड बाय विच रीजन, तो कुलेज एनीमिया कौन सी रीजन की वजह से कॉज होता है, तो डिफिशेंसी ऑफ बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। हम लोगों ने कंटेन में देखा था कि बीटा चेन का प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज होने लगता है, तो उसकी वजह से क्या थैलेसीमिया अगर होता है, तो थैलेसीमिया का अदर नेम क्या है, कुलेज एनीमिया। तो कुलेज एनीमिया इज कॉज्ड बाय, इसमें देखो कुलेज एनीमिया करके जो है क्वेश्चन पूछा गया है, तो अदर नेम याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो कुलेज एनीमिया जो है कॉज होता है किस रीजन की वजह से, तो बीटा चैन हीमोग्लोबिन में जो बीटा चैन होता है इसका डिफिशेंसी की वजह से कुलेज या कह सकते हैं थैलेसीमिया जो है अकर होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ हेरिडेटरी हेमोलाइटिक एनीमिया। हेरिडेटरी हेमोलाइटिक एनीमिया कौन सा होता है, तो हेरिडेटरी एनीमिया क्या है ये हम लोग कंटेन में देख ही रहे हैं, तो थैलेसीमिया जो क्या है वो हेरिडेटरी हेमोलाइटिक एनीमिया होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनगोलॉइड फैसीज आर सीन इन चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम, मोनगोलॉइड फैसीज आर सीन इन चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, इसमें करेक्ट ऑप्शन रहेगा बीटा थैलेसीमिया। सो नेक्स्ट, ड्यू टू चेंज ऑफ क्रैनियो फेशियल फीचर इन थैलेसीमिया मेजर पेशेंट लुक लाइक स्क्यूरल लाइफिस। इसमें जो क्या होता है, क्रैनियो फेशियल फीचर के चेंज की वजह से क्या होता है थैलेसीमिया जैसे डिजीज में पेशेंट कैसा दिखने लगता है, स्क्वायरल लाइक फेस की तरह दिखने लगता है, जिसे क्या और लाइक मोनगोलॉइड फेशियल फीचर देखने लगते हैं। तो ये मेन जो है हमें चेंज देखने को मिलता है इन द थैलेसीमिया स्क्वायरल लाइक फेस और जिसे कहते हैं मोनगोलॉइड फेशियल फीचर। सो मैग्लोब्लास्टिक एंड परनीसियस एनीमिया, मैग्लोब्लास्टिक परनीसियस एनीमिया से क्वेश्चन है कि विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड डिफिशेंसी कॉजेस, तो विटामिन B12 और फॉलिक एसिड जो है उसकी कमी इसकी वजह से क्या कॉज होता है, तो विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की डिफिशेंसी की वजह से मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया कॉज होता है। विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड की वजह से क्या होता है, उसे मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया होता है। मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया जो है इस कॉज बाई ड्यू टू डिफिशेंसी ऑफ बोथ फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12, जैसे फॉलिक एसिड को कोवोलामाइन एंड साइनोकोवोलामाइन इसकी कमी की वजह से जो होता है कोवोलामाइन और साइनोकोवोलामाइन मतलब मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया कैसे कॉज होता है, ड्यू टू डिफिशेंसी ऑफ फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, परनीसियस एनीमिया इज कॉज्ड बाय विच डिफिशेंसी, यानी कि परनीसियस एनीमिया जो होता है वो किस की कमी की वजह से कॉज होता है, तो परनीसियस एनीमिया जो होता है वो विटामिन B12 यानी जिसे क्या कहते हैं साइनोकोबालामाइन कहते हैं, तो विटामिन B12 साइनोकोबालामाइन की वजह से जो है परनीसियस एनीमिया कॉज होता है उसकी डिफिशेंसी की वजह से। परनीसियस एनीमिया इज़ एन ऑटो इम्यून डिजीज़, परनीसियस एनीमिया कैसा होता है कि ऑटो इम्यून डिजीज़ है इन विच पैराइटल सेल्स जो होती हैं स्टमक की लाइनिंग फेल टू सिक्रेट इनफ इंट्रिंसिक फैक्टर फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 आल्सो कॉल्ड एक्सट्रिंसिक फैक्टर। परनीसियस एनीमिया जो होता है ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें पैराइटल सेल्स जो होती हैं स्टमक की लाइनिंग फेल टू सिक्रीट इनफ, ये जो है इनफ जो इंट्रेंसिक फैक्टर्स होते हैं विटामिन B12 को अब्जॉर्प्शन के लिए, तो वो फेल हो जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं एक्सट्रेंसिक फैक्टर भी कहते हैं। इंटेस्टाइन से जो वो सिक्रीट होते हैं तो वो फेल हो जाते हैं, विच इज़ रिजल्ट जिसकी वजह से क्या हो जाता है विटामिन B12 की कमी हो जाती है। विटामिन B12 को हम साइनोकोबालामाइन भी कहते हैं, ब्लड में विटामिन B12 की कमी हो जाती है। एंड इंट्रिंसिक फैक्टर जो होते हैं वो इसेंशियल होते हैं किसके लिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 के लिए साइनोकोबालामाइन फ्रॉम GIT, तो इसकी वजह से क्या होता है मैग्लोब्लास्टिक या परनीसियस एनीमिया कॉज हो जाता है।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नर्स शुड इंस्ट्रक्ट अ पेशेंट हु हैज़ डायग्नोस ऑफ फॉलिक एसिड डिफिशेंसी. एक नर्स जो है वो शुड इंस्ट्रक्ट अ पेशेंट, पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेगी हु हैज़ डायग्नोस्टिक ऑफ फॉलिक एसिड डिफिशेंसी. जिसको क्या डायग्नोस है, फॉलिक एसिड डिफिशेंसी डायग्नोस है, फॉलिक एसिड डिफिशेंसी डायग्नोस्ड है पेशेंट को. द नर्स जो है पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेगी एनीमिया टू इंक्रीज इनटेक ऑफ विच फॉलोइंग, यानी कि एनीमिया टू इंक्रीज इनटेक ऑफ, एनीमिया है फॉलिक एसिड डिफिशेंसी एनीमिया है, तो पेशेंट को जो नर्स है वो क्या इंस्ट्रक्ट करेगी, यानी कि क्या खाने को ज़्यादा बोलेगी. तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हमारा रहेगा बी, दैट इज़ ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स, ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स. सो नेक्स्ट, फॉलिक एसिड इज़ अ वाटर सेल्युबल बी कॉम्प्लेक्स विटामिन. फॉलिक एसिड क्या है, एक वाटर सेल्युबल बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है जो कि डीएनए सिंथेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, एंड ये नेचुरली पाया जाता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, बीन्स में एंड लिस्ट में. फॉलिक एसिड जो होता है वो यूज़ किया जाता है मैक्रोब्लास्टिक और मैक्रोसिस्टिक एनीमिया को ट्रीट करने के लिए, मैक्रोब्लास्टिक और मैक्रोसिस्टिक एनीमिया को ट्रीट करने के लिए फॉलिक एसिड यूज़ किया जाता है. एंड फॉलिक एसिड की डिफिशेंसी की वजह से क्या हो जाता है, परनीशियस एनीमिया हो जाता है. एंड टू प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, इससे क्या है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को भी प्रिवेंट किया जा सकता है. नेक्स्ट है, अ क्लाइंट हैज़ बीन डायग्नोस्ड विद परनीशियस एनीमिया. एक क्लाइंट जो है वो डायग्नोज किया गया है परनीशियस एनीमिया से. इन प्लानिंग केयर प्लानिंग में फॉर द क्लाइंट, अब नर्स एंटिसिपेट दैट क्लाइंट विल बी ट्रीटेड विद, एक क्लाइंट जो है उसको क्या डायग्नोज किया गया है, परनीशियस एनीमिया डायग्नोज किया गया है. केयर प्लान में, क्लाइंट की केयर प्लान में जो है एक नर्स जो है एंटिसिपेट करती है दैट द क्लाइंट विल बी ट्रीटेड विद, तो क्लाइंट को किससे ट्रीट किया जाता है, विटामिन B12 से, बिकॉज उसको क्या है, उसको परनीशियस एनीमिया, एंड परनीशियस एनीमिया की में क्या, किसकी डिफिशेंसी की वजह से होता है, विटामिन B12 की वजह से. तो जो है उसमें किससे, विटामिन B12 से केयर प्लानिंग में जो है इन्वॉल्व करती है विटामिन B12 को. Which finding is persistent with pernicious anemia? तो which finding is persistent with pernicious anemia? तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा बिफी रेड टंग. पर्नीशियस एनीमिया में क्या होता है, बिफी रेड टंग होता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बिफी रेड टंग का मतलब क्या है कि सोर माउथ विथ रेड इज ऑफ टंग इज अ क्लासिक फाइंडिंग ऑफ पर्नीशियस एनीमिया. क्लासिक फाइंडिंग है परनीशियस एनीमिया का क्या है, बीफ रेड टंग जो होता है, बीफ रेड टंग या सोर माउथ या रेड इज ऑफ टंग भी कहते हैं, यह क्लासिक फाइंडिंग है परनीशियस एनीमिया के. सो सिचलिंग टेस्ट जो होता है वो किस में किया जाता है, सिचलिंग टेस्ट किया जाता है अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन बी ट्वेल्व में जो है सिचलिंग टेस्ट यूज़ किया जाता है. सिचलिंग टेस्ट जो होता है एक टेस्ट होता है जो कि यूज़ किया जाता है ओरल रेडियो एक्टिव विटामिन B12 साइनोकोवालाइन में एंड इंजेक्टेड नॉन रेडियो एक्टिव विटामिन B12 टू असिस्ट द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन. सो इस टाइप से हम लोगों ने जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आज देखे हैं थैलेसीमिया से रिलेटेड, एंड थैलेसीमिया एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है जिससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलते हैं. सो आपके वीडियो हेल्पफुल रहा हो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. एंड इसी टाइप से जो है इम्पॉर्टेंट जो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लेवल पे जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे नर्सिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड उनसे रिलेटेड MCQs को हम लोग इस चैनल पे जो है इन्वॉल्व करते हैं सर, जो कि आपकी प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाते हैं. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच.